नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो पोर्टफोलियो शेयर करने से पहले थोड़ा कमेंट ले रहा था एज यूजुअल। अविनाश जी का कमेंट आ रहा है, तो इस अप्रैल अ गुड टाइम टू बाई नाउ, मिनिमम अमाउंट इज 1,59,000। ये मैं स्मॉल कैस के, ग्रीन एनर्जी स्मॉल कैस के बारे में बोल रहे हैं। तो एक हफ्ता पहले 1,59,000 था, अभी इट वॉज अभी अभी इसका 1,59,000 है, एक हफ्ता पहले 1,37,000। तो शुड आई वेट और मतलब लगा देना चाहिए? तो अभी मार्केट सेंटिमेंट काफी हाई है, तो इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, FIA का रेट कट आ रहा है, तो मार्केट ऊपर ही जाएगा 2024 एंड होने में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑलरेडी लगा देने के लिए पैसा, अभी तो यहाँ पे लगाना है। तो या फिर आपको वेट करना चाहते हैं मार्केट कब गिरेगा, नेक्स्ट ईयर या फिर 1-2 साल बाद, उतना उतना अगर वेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर वेट मेरे मेरे ख्याल से अभी आपको लगा देना चाहिए पैसा। सुनील बाबू बोल रहे हैं, ऑल द बेस्ट। बताइए, मैंने फर्स्ट वीडियो का देखे था जो मैं स्टार्ट किया था 2 महीने पहले, तो थैंक यू सर जी फीडबैक देने के लिए। सेटिस्फाइंग वर्ल्ड बोल रहा है कि आप बेस्ट टाइम है लमसम करने का, लगा दो भाई लमसम, क्योंकि मार्केट, वही सेम चीज ही बोलूंगा मैं, मार्केट ऊपर जा रहा है। 2024 एंड होते होते 24,000 को निफ्टी टच कर सकता है, इसीलिए लगा दो, पैसा बन जाएगा आपका। तो मार्केट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देख सकते हैं निफ्टी फ्लैट ही था, 0.004, मतलब एकदम सेम ही है, लगभग सेम पे ही क्लोज किया है, ज्यादा हिला डुला नहीं है। 22,513 पे निफ्टी क्लोज किया है, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ एंड होते होते साल एंड 24,000 क्रॉस कर जाएगा, ये देखना, देख लेना आप लोग। मिड कैप के बारे में बात करते हैं, 0.5% इंक्रीज हुआ है, जो कि ठीक ठाक है। स्मॉल कैप भी 0.5% इंक्रीज हुआ है। तो पोर्टफोलियो का शेयर कर लेते हैं, देख सकते हैं सारे ग्रीन में ही है। मैक्सिमम पैसा 2,462 क्वांट से आया है, उसके बाद है 907 रुपीज HDFC स्मॉल कैप, फिर HDFC मिड कैप में है 759, 151 है मोतीलाल ओसवाल में, और निपॉन मिड कैप में 661, 0.94 और 0.94 यही सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है क्वांट का। उसके बाद इंक्रीज हुआ 0.51 HDFC मिड स्मॉल कैप, फिर 0.5 HDFC मिड कैप और 0.39 है निपॉन इंडिया। मोतीलाल ओसवाल, क्योंकि निफ्टी हल्का सा नेगेटिव में था इसलिए ज्यादा हिला डुला नहीं है, 0.14%। सबसे ज्यादा पैसा मेरा लगा हुआ है क्वांट में, 2,27,000, और यहाँ पे देख सकते हैं 36,000 हो गया मेरा ओवरऑल प्रॉफिट। ये बहुत बड़ा बड़ा करके आ रहा, थोड़ा सा कम कर देता है। हाँ, तो देख सकते हैं 72% है XRR। उसके बाद XRR 49% इसका है मोतीलाल ओसवाल, लार्जर मिड कैप का 11,000 का प्रॉफिट है। 48.4 है HDFC मिड कैप का, 16,000 ऑलरेडी है, हो गया प्रॉफिट। और 12,000 है निपॉन का 32%, और 12,000 है HDFC स्मॉल कैप का 29, 30% पकड़ सकते हैं, जो काफी ठीक ठाक दिख रहा है एक शेयर। तो टोटल का बात करूँ तो ऑल टाइम रिटर्न्स ये मेरा लाइफ टाइम हाई पे है, 88,000 है, करीबन 90K हो गया। तो देखते हैं कि 1 लाख का जो ब्रीच है, जो बैरियर है, वो कब क्रॉस करता है। होपफुली जल्दी क्रॉस कर जाएगा। 48% है एक्सर, अच्छा दिख रहा है। ए पर आज का डेली का इंक्रीज हुआ है अराउंड 5,000 रुपीज, जो कि काफी ठीक ठाक है। 7,85,000 इन्वेस्टर था, अभी 8,74,000 है। तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं गाइस, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कोई भी कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मैं रिव्यू कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।